सेकेंड क्लास में आप लोगों को ओल्ड फैशन ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। और इस ब्लाउज को कटिंग करना बहुत ही आसान है और इसका स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से फेब्रिक को फूल करना है। देखिए ये देखिए, किनारे वाले फेब्रिक को इस तरह से हम टू फूल में यहाँ पर बिछाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट काट करूँगी। ये फ्रंट साइड की तरफ से बुटाम रहेगा। तो ब्लाउज का लंबाई 14.5 इंच तक लिया है और सिलाई के लिए इस तरह 1 इंच, तो टोटल 15.5 इंच का यहाँ से टोटल ब्लाउज का लंबाई लिया है। तो इसको देखिए सीधा मिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड के लिए हमें एक्स्ट्रा बुटाम पुटी काट नहीं करूँगी, जैसे कि उसको हुक पुटी भी कहता है। आप हुक लगाना है तो लगा सकते हो, बुटाम लगाना है तो लगा सकते हो। मैं यहाँ से एक ही साथ में रखूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच में एक निशाना लगाया है। और अभी यहाँ से देखिए टोटल हम शोल्डर लूँगी, यहाँ से 6 इंच का टोटल शोल्डर रखूँगी। और यहाँ से देखिए हाफ इंच ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करूँगी। और यहाँ से देखिए जहाँ से हम 1.5 इंच लिया है इसको हम माइनस करके यहाँ से नेक लूँगी 2 इंच से हम 2 सूट ज़्यादा रखूँगी नेक लाइन। और यहाँ से आर्म होल लूँगी 6 इंच, जैसे कि ये बैग ज़्यादा डीप नहीं है मैं, तो मैं यहाँ से 6 इंच रखूँगी। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच का निशाना लगाऊँगी बुटाम पट्टी। उसके बाद हम चेस्ट लेना है। यहाँ पर देखिए ये 36 साइज से ये ब्लाउज, तो मैं यहाँ से 9 इंच का रखूँगी। और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मैं यहाँ से 1 इंच रखूँगी। तो टोटल आपको कितने इंच तक रखना है एक्स्ट्रा फैब्रिक आप अपने हिसाब से रख सकती है। तो यहाँ पर देखिए कमर लेना है, इसमें देखिए 10 इंच है टोटल, मैं यहाँ से 9 इंच का कमर रखूँगी। सिलाई करने के बाद ज़्यादा फैब्रिक होने से मैं इसको काट कर लूँगी। तभी देखिए यहाँ से लेना है आमहूल को मैं 1 इंच का शेप लगाऊंगी, फिर इसको यहाँ पर मिला दूंगी। तो यहाँ से देखिए फ्रंट एक डिप लूँगी मैं यहाँ से 5.5 इंच। और यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाऊंगी और यहाँ पर हल्का सा राउंड का शेप लगा दूंगी। तभी देखिए हम काट कर लूँगी इसको। और यहाँ पर देखिए हम बुटाम पोटी को यहाँ से इस तरीके से हम तीसरा काट करूँगी। फिर देखिए यहाँ से टैक्स पॉइंट लेना है, जैसे कि दांत, मैं यहाँ से 3.5 इंच का दांत रखूँगी और थोड़ा सा काट कर नोस लगा दूँगी। तो अभी देखिए यहाँ से बैक पार्ट काट करूँगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ से सीधा मिलाऊँगी और इसको टू फूल में पिसा लिया। लंबाई देखिए इसमें हम टोटल 15 इंच तक लंबाई दिया है और यहाँ से भी टोटल हम 15 इंच का लंबाई रखूँगी। तभी देखिए यहाँ से हम शोल्डर लूँगी, यहाँ से भी हम 6 इंच का शोल्डर रखूँगी। और यहाँ से हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करूँगी। और यहाँ से देखिए 6 इंच आर्म होल इसको सीधा मिलाऊँगी। तभी देखिए यहाँ से नेक लाइन लेना है 2.5 इंच और यहाँ से नेक डिप लूँगी बैक साइड का 4.5 इंच। तभी देखिए यहाँ पर हल्का सा हमें शेप मिलाना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से भी देखिए 1 इंच का यहाँ से शेप लगाऊंगी। फिर यहाँ से भी देखिए चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूंगी 36 साइज के हिसाब से, यहाँ पर 9 इंच रखूंगी और एक्स्ट्रा 1 इंच सिलाई के लिए। तो इसको देखिए हल्का सा शेप मिलाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कमर में भी 9 इंच का कमर रखूँगी। और बैक साइड से भी दांत लगाना है 3.5 इंच और यहाँ पर थोड़ा सा काट कर नोस लगा दूंगी।
फिर हम यहाँ से स्लीव काट करूँगी। तो इसके लिए देखिए मैंने फेब्रिक को 4 फुल में बिछा लिया और यहाँ से स्लीव का लंबाई लूँगी। स्लीव का लंबाई 5.5 इंच है, तो हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखूँगी। तो टोटल मैं यहाँ पर 7 इंच का स्लीव लिया है। तो यहाँ से देखिए स्लीव का मोहरी 11 इंच है, तो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मैं 1 इंच रखूँगी। और यहाँ से 4.5 इंच तक उठाऊँगी। फिर इसको देखिए हम इस तरह से सेप मिलाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखकर फैब्रिक काट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा होने से मैं इसको बाद में काट कर सकती हूँ स्लिप ज्वाइन करने के बाद। और यहाँ से देखिए कमर पट्टी काट कर लूँगी इस तरीके से। हमें 3 कमर पट्टी यहाँ से काट कर लूँगी, इसमें ज्वाइन करना होगा, तभी देखिए सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई देखिए हमें सबसे पहले कौन सा पार्ट को करना है। यहाँ पर देखिए पहले हम बैक पार्ट का टाक सिलाई कर लूँगी। यहाँ से टाक्स हम 1/2 इंच लेकर सिलाई करें और उठाऊँगी 4 इंच तक। सभी टाक्स को हम इसी के हिसाब से सिलाई लगाऊँगी यहाँ पर। टाक सिलाई करने के बाद देखिए अभी फ्रंट साइड का बुटाम पट्टी सिलाई करूँगी। जहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशाना दिया है, वहाँ से हम इस तरीके से एक बुटाम पट्टी को हम सामने की तरफ से फुल करूँगी और एक को उल्टा साइड की तरफ से फुल करूँगी। जिस साइड में हमें बुटाम लगाना है इसको सामने की तरफ से फुल करूँगी, और जिस साइड में हमें बुटाम का घर बनाना है इसको उल्टा साइड की तरफ से सिलाई करूँगी। और ये देखिए इसको हम सामने की तरफ से लेकर सिलाई करूँगी। जिस साइड में हमें बुटाम सिलना है उसी साइड की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोनों को इस तरह से बराबर मिलाकर जो हम बुटाम पट्टी को ज़्यादा रखा है इसको काट कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर रखना है इस तरीके से। फिर हम देखिए यहाँ से टाक सिलाई कर लूँगी फ्रंट साइड को भी 1/2 इंच लेकर सिलाई करूँगी और इसको उठाऊँगी 4 इंच तक। उसके बाद देखिए बैक और फ्रंट को हम ज्वाइन कर लूँगी। देखिए मिलाकर ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पर देखिए शोल्डर से डबल सिलाई करने के बाद मैं किनारे से पिकू कर दिया और यहाँ पर देखिए स्लीव सिलाई करूँगी। स्लीव को देखिए सेंटर से बराबर मिलाकर सिल लूँगी। दोनों स्लिप सिलाई करने के बाद देखिए स्लिप का मोहरी को 2 फुल करके सिल लूँगी। तो फिर देखिए यहाँ से नेक पुट्टी सिल लूँगी। नेक पट्टी सिलने के बाद यहाँ पर देखिए नेक को छोटा छोटा काट लगाऊंगी। फिर देखिए नेक पट्टी के साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लूंगी। तभी देखिए इसको उल्टा साइड की तरफ से लेने के पहले यहाँ पर देखिए नेक पट्टी के साइड से हमें सिलाई लगा लूँगी।
क्योंकि हम नेक पोटी को मशीन से सिल लूँगी, सिलाई हम सीधा सर की तरफ से करूँगी। तो अभी देखिए हम सीधा सर की तरफ से यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। जितना तक हमारा नेक पुटी फुल किया है उसी के हिसाब से मैं ऊपर से आइडिया लगाकर सिलाई कर लूँगी। तभी देखिए यहाँ से पहले साइड से सिल लूँगी। ये इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, यहाँ से सीधा सिलाई कर लूँगी हम कमर पोटी सिलने के लिए। अभी देखिए हम कमर पुटी सिलाई कर लूंगी। तभी देखिए यहां से मिलाना है, एक साइड में जितने इंच तक हमें रखा है यहां भी दूसरे साइड की तरफ से भी उतने इंच ही लेना है। ये देखिए बराबर मिलाकर हम यहां से सिलाई लगा लूंगी। फिर हम देखिए फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लूँगी कमर पट्टी को। यहाँ पर देखिए हम कमर पट्टी को मशीन से सिल लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए 36 साइज उल फैशन ब्लाउज सिलाई पूरा पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में। थैंक यू।